हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द बाई बैक ऑल दी वर्किंग नोट्स एज वेल एज हाउ टू फ्रेम द जर्नल एंट्रीज व्हिच वी हैव सीन इन द प्रीवियस लेक्चर एंड टुडे विल बी कवरिंग हाउ टू साल्व द बैलेंस शीट आफ्टर बाय तो बैलेंस शीट में बाय कैसे बनाते हैं ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस उसके पहले थोड़ा सा एक आपको रेक्टिफिकेशन करना है लास्ट टाइम मैंने कुछ अमाउंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किए थे तो ये जो बैंक लोन है तीन लाख लेना है अनसिक्योर्ड लोन जो है वो वन लाख लेना है अगर हम बैंक लोन तीन लाख और एक लाख लेंगे तो हमारा बॉरड फंड्स की अमाउंट हो जाएगी फोर लैक्स और जिसको हमने सॉल्व किया था देखो यहाँ पे आ, ओन फंड्स माइनस फिफ्टी परसेंट ऑफ बॉर फंड्स दैट वॉज फिफ्टी परसेंट ऑफ बॉर्डर फंड फोर लैक्स का फिफ्टी परसेंट मैंने यहाँ पे टू लैक्स ,00 ले लिया है तो यहाँ पे आपको जस्ट छोटा सा चेंज है बैंक लोन में थ्री लैक्स ,00 की अमाउंट है और अनसिक्योर्ड लोन में वन लैक्स ,00 की अमाउंट है ठीक है तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन अबाउट हाउ टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट इन केस ऑफ बाय बैक तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर थ्री विच वी आर गोइंग टू सॉल्व टूडे एंड द क्वेश्चन इज गिवन टू यू एस बैलेंस शीट इसी टाइप में क्वेश्चन यूनिवर्सिटी पेपर में आएंगे इसके पहले हमने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स से पूरे कंसेप्ट को क्लियर किया था कि एग्जैक्टली exactly कि किस तरीके से आपको बाय बैक में वर्किंग नोट बनाना है फिर हमने ये सीखा कि अगर पार्टली पेडअप दिया होगा तो किस तरीके से जर्ल एंट्रीज करना है देन वी हैव लर्न अबाउट हाउ टू पास द जरल एंट्रीज इन द प्रीवियस लेक्चर

देन वी हैव टेन परसेंट प्रेफरेंस ऑफ रुपीज हंड्रेड इच अमाउंट हैीमियम वन लैक ट्वेंटी सेवन फाइव हंड्रेड वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देन दॉइंट इज टेन परसेंट डिवेंचर्स एंड द लास्ट पॉइंट इज करंट लाइबिलिटी फिर असेट साइड में अगर आप देखो तो आपके पास है नेट ब्लॉक देन आपके पास है इन्वेस्टमेंट्स देन हमारे पास है करंट असेट्स और अगर हम कास्ट की एडजस्टमेंट को पढ़े तो एडजस्टमेंट में हम यहाँ पे दिया है कीपिंग इन व्यू द लीगल रिक्वायरमेंट्स एसरटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट एफ कॉन्स लिमिटेड कैन बाय बैक एट रुपीज ट्वेंटी फाइव पर शेयर तो ट्वेंटी फाइव रुपीज पर शेयर इज द ऑफर प्राइस गिवन टू यू इन द क्वेश्चन एंड द फेस वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन ऑफ इक्विटी इज टेन रुपीज तो टेन रुपीज इज यूर फेस वैल्यू एंड ऑफर प्राइज इज रुपीज ट्वेंटी फाइव पर शेयर तो आइए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से वर्किंग नोट बनाने हैं सारी चीजें सीखेंगे वर्किंग नोट बनाना उसके बाद एंट्रीज को फ्रेम करना एंड देन द लास्ट स्टेप विल बी बैलेंस शीट को कैलकुलेट करके किस तरीके से प्रेजेंट करना है तो आइए स्टार्ट करते हैं ठीक है आवर फर्स्ट वर्किंग नोट इज फ्री रिजर्व को कैलकुलेट करना तो हमने सीखा था फ्री रिजर्व में क्या क्या आता है फ्री रिजर्व हमारे क्वेश्चन में जो जो चीजें हैं वो मैं एक एक करके लिखूंगा फ्री रिजर्व में जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस सिक्योरिटीज प्रीमियम ये सारे एक एक करके हमारे फ्री रिजर्व है वो हम लिखेंगे जनरल रिजर्व हमारे क्वेश्चन में है सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है आई एम राइटिंग ओवर हियर सिक्योरिटीज प्रीमियम फिर हमारा सेकेंड पॉइंट है जनरल रिजर्व फिर हमारा थर्ड पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस तो आप देख सकते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट कितनी है सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट है वन लैख ट्वेंटी सेवन फाइव हंड्रेड जनरल रिजर्व की अमाउंट कितनी है जनरल रिजर्व की अमाउंट है वन लाख एंड प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट कितनी प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट है ठीक है अभी आपको क्या करना है तो को आपको ऐड करना यू हैव टू ऐड दिस थ्री तो अगर हम ये तीनों को ऐड करेंगे तो हमें जो हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट का आंसर मिल जाएगा इसका आंसर आता है थ्री लाख थाउजेंड ठीक है तो थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड को हम क्या मार्क करते थे 350000 को हम ए अल्फाबेट से डिनोट करते हैं दैट इज आवर कैलकुलेशन कॉल्ड एज दिस और फ्री रिजर्व द नेक्स्ट वर्किंग नोट विल बी ओन फंड्स एंड 25% ऑफ ओन फंड इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मेट था इफ यू रिमेंबर सबसे पहले हम लेते हैं इक्विटी कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल में वी आर एडिंग दी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड आफ्टर एडिंग द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वी आर एडिंग द रिजर्व्स मतलब ये जो ऊपर टोटल आया है वर्किंग नोट नंबर वन में सभी को हम ऐड करेंगे क्वेश्चन इक्विटी शेयर कैपिटल में हमारे पास अमाउंट है फोर लैक्स शेयर कैपिटल अगर आप ध्यान से देखो तो प्रेफरेंस कैपिटल है आपके कोई। दैट इज वन लैक्स अगर रहेगा प्रेफरेंस तो लिखेंगे अदरवाइज हम नहीं लिखेंगे और जो हमने अभी रिजर्व का टोटल ऊपर कैलकुलेट किया है दैट इज अवर वैल्यू फिफ्टी थाउजेंड इफ यू एड दिस थ्री आपको ये तीनों को क्या करना है एड करना है तीनों को एक बार एड कर लेते हैं so, so, ये जो एट लाख फिफ्टी थाउजेंड है ये हमारे ओन फंड है कुल क्या है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ यूर ओन फंड गॉट एट लाख फिफ्टी थाउजेंड एंड दिसकिन थाउजेंड का आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू कम्स टू टू लैक्स ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो दिसक एस अल्फाबेट बी तो हम मार्क करेंगे अल्फाबेट बी so, हमारे दो वर्किंग नोट हो चुके हैं फर्स्ट वॉश कैल्कुलेशन ऑफ सोर्सेस सेकेंड वॉस कैल्कुलेटिंग दी ओन फंड ट्वेंटी थर्ड वर्किंग नोट Own funds minus 50 of borrowed funds. तो आइए स्टार्ट करते of your borrowed funds. तो borrowed funds फौरे फौरे हैं फिर हमारा ओन फंड लैख फिफ्टी थाउजेंड माइनस फिफ्टी परसेंट ऑफ योर बोर फंड्स ठीक है बोरोड फंड देखो क्वेश्चन में हमारे पास एक है हमारा डिवेंचर एक ही पॉइंट एक ट्रेड पेबल्स है और एक डिबेंचर्स है तो ट्रेड पेबल्स का लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी बॉर्डर फंड्स में आएगा डिबेंचर्स तो डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी है डिबेंचर्स की वैल्यू है हमारी एट लाख तो एक पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ एट लाख का हमें फिफ्टी परसेंट ढूंढना है दैट विल बी फोर लैक तो एट लैख फिफ्टी माइनस फोर लैक्स एट लैख फिफ्टी में से अगर हम फोर लैक्स माइनस करें तो हमें आंसर मिलता है फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड अल्फाबेट सी तो ये जो आंसर मिला है ये हमारा अल्फाबेट सी आ जाए काफी इजी कैलकुलेशन है फिफ्टी परसेंट ऑफ बोरोड फंड लास्ट पॉइंट फॉर कैलकुलेशन बाद बाय ढूंढेंगे ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल देखना है आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है आपको तो आपके पास अमाउंट आ चुका है 1 हमको ढूंढना है नंबर ऑफ शेयर्स वेरी सिंपल टू कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट दैट तो वन लैख हमें आंसर मिला 1 ,000 ,000 ,000 को आपको डिवाइड करना है फेस वैल्यू से अगर हम देखें तो इक्विटी का फेस गेटिंग आंसर शेयर्स शेयर्स मिलने के बाद क्या करना है इसका अमाउंट ढूंढना है अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ दिस शेयर्स हाउ टू कैलकुलेट दैट वेरी सिंपल टेन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय कितना दिया था ऑफर प्राइस क्वेश्चन

डिवाइड वैल्यू वॉट एवर इज ग्यू वॉज गिवेन एज टेन रूपीज हमने फेस वैल्यू से डिवाइड कर लिया हमें मिले, मिलने के बाद आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है आपके ऑफर प्राइस से तो आपको वैल्यू मिल जाएगी टू लैख्टी थाउजेंड हमारी वैल्यू है अब हम करेंगे मैक्सिमम बायसिमम बाय बैक करने से पहले एक बार सारे अमाउंट को देख लेते हैं विच इज दिलाऊजेंड बी इज टू लैख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड सी इज फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड एंड डी इज टू लैख फिफ्टी थाउजेंड विच इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ए बी सी डी कौन सा सबसे छोटा अमाउंट है तो आपको दिख रहा है बी सबसे स्मॉलेस्ट है दो लाख बारह हजार पांच सौ तो अभी हम मैक्सिमम बाय बैक यहाँ कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम बाय बैक क्या था रूल काफी सिंपल रूल था रूल था कि ए या डी विच एवर इज लेस डिडेड बाय पर ऑफर प्राइस ठीक है एबीसीडी में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा देखा हमने सबसे स्मॉलेस्ट हमें टू लैक्स ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड बी था वो सबसे था। तो अगर हम डिवाइड करेंगे हमारे ऑफर प्राइस से बाय का आंसर मिल जाएगा और हमें बाय बैक का आंसर मिलता है एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड ईयर्स आप डिवाइड करके देख सकते हैं कैन बी Back. हमने लास्ट टाइम भी कैलकुलेट कर लिया है इट्स अ रिविजन फॉर ऑल हु आर फेसिंग दिस पॉइंट एज लिटिल बिट डिफिकल्ट हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लिया है एग्जैक्टली कि किस तरीके से आपको को तो सॉल्व करना है तो फाइव पॉइंट्स वी हैव कैलकुलेटेड फर्स्ट नंबर से लेके पांच पॉइंट ये आपके वर्किंग नोट्स का बेस है अभी हम जर्ल एंट्रीज देखेंगे जर्ल एंट्रीज तो काफी अभी ईजी है देखो मैंने जर्ल एंट्रीज यहाँ पे लिख के रखे ताकि वीडियो थोड़ा लेंदी ना बने तो हमारा स्टेप नंबर वन क्या होता है स्टेप नंबर वन होता है बाय बैक ड्यू एंट्री हमेशा सेम होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स देखो मल्टीप्लीकेशन कैसे कर रहा हूं हमारा फेस वैल्यू है टेन रुपीज फाइन और हमारी ऑफर प्राइस कितनी है ट्वेंटी फाइव रुपीज तो टेन और ट्वेंटी फाइव का जो भी डिफरेंस है फिफ्टीन रुपीज का ये फिफ्टीन आपका प्रीमियम होगा इस फिफ्टीन रुपीज विल बी योर प्रीमियम तो अभी मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है सिंपल मल्टीप्लीकेशन एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू टेन एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड टेन आप करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी एट फाइव थाउजेंड इज डेबिट ठीक है प्रीमियम कितना बोला हमने अभी प्रीमियम कैलकुलेट किया तो फिफ्टीन का प्रीमियम है एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई फिफ्टीन इज योर प्रीमियम दैट कम्स टू वन लैक ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज योर प्रीमियम इफ यू एड बोथ दिस अगर आप ये दोनों का एड करोगे तो आपको क्रेडिट साइड की वैल्यू मिलेगी और क्रेडिट साइड की वैल्यू आएगी टू लैक्स ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड द क्रेडिट साइड बाई बैक ड्यू हमेशा इसी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं एंट्री भी सेम रहेगा और जो आपका स्टेप नंबर वन है उसी स्टेप से सारे आगे के स्टेप कैरी फॉरवर्ड होंगे अब देखो अगला स्टेप जो है दैट इज एडजस्टिंग प्रीमियम ये जो हम लोग अभी प्रीमियम कैलकुलेट कर लिया है यही हमारा यहाँ पे एडजस्टिंग प्रीमियम में आएगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आप देख सकते हो सिक्योरिटीज प्रीमियम में बहुत बैलेंस है जितना हमें चाहिए उतना ही बैलेंस सिक्योरिटीज प्रीमियम में अवेलेबल है तो इसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से हम वन लैख ट्वेंटी सेवन फाइव हंड्रेड ले सकते हैं तो क्या बनेगा एंट्री सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर अमाउंट विल बी सेम जो आपने ऊपर लिखा है वही अमाउंट वन लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड 500 सेम अमाउंट वी आर गोइंग टू राइट ऑफ वन लाख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड में लिखे हैं आप अपने बेस पे नरेशन को यहां लिख सकते हैं ठीक है अगले पॉइंट में जाएंगे अभी अगला पॉइंट होता है क्रिएटिंग सी ये स्टेप नंबर वन था हमारा स्टेप नंबर वन बाय बैक ड्यू स्टेप नंबर सेकेंड एडजस्टिंग प्रीमियम स्टेप नंबर थ्री क्रिएटिंग सी एंड स्टेप नंबर फोर्थ सेटलमेंट तो अभी सेटलमेंट करने से पहले सी को क्रिएट कर लेते हैं देखो सी आर आर कैसे क्रिएट होगा सी आर आर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको आपके क्वेश्चन में देखना है क्वेश्चन में जो आपने इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे लिखा है वही अभी हम अमाउंट लेने वाले हैं ध्यान से तो जो अमाउंट अभी दिया हुआ है ऊपर वही अमाउंट हमको कंसिडर करना है एटी फाइव थाउजेंड जो है यही आपका यहाँ पे सी आर आर हो जाए तो सेम अमाउंट विल बी योर सी आर आर क्या होगा एंट्री जनरल रिजर्व सेम टेकिंग जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट उंट विल बी फाइव थाउजेंड तो आपके जनरल एंट्री नंबर वन में है वही आपका सी आर आर बन गया है. Being created Simple entry है, चार एंट्री काफी इजी है एंड द नेक्स्ट स्टेप विल बी सेटलमेंट और सेटलमेंट का एंट्री अब हम करेंगे सेटलमेंट के एंट्री के लिए क्या करना है आपको ये जो अमाउंट यहाँ पे आपने लिखा है यही आपका सेटलमेंट का एंट्री हो जाएगा एंड सेटलमेंट का एंट्री क्या होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंटेबिल टू बैंक तो आपके ऊपर अमाउंट लिखा है मैंने एरो मार्क करके आपको दिखा है टू लैक्स ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेम अमाउंट दो लाख बारह हजार ठीक है फोर स्टेप्स वी आर सॉल्विंग स्टेप नंबर वन इज बाय बैक ड्यू स्टेप नंबर सेकेंड इज एडजस्टिंग प्रीमियम स्टेप नंबर थर्ड इज क्रिएटिंग सी एंड स्टेप नंबर फोर्थ इज सेटलमेंट दैट इज पेइंग इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बैंक अकाउंट ये चार एंट्रीज आपको करने हैं अगर आपका फर्स्ट एंट्री सही रहा तो बाकी के एंट्रीज आपके सही होंगे अगर फर्स्ट एंट्री ही गलत कर दिया तो बाकी के एंट्रीज आप गलती कर लोगे अब हम सीखेंगे कि इसका बैलेंस शीट किस तरीके से प्रिपेयर करना है देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो हर क्वेश्चन में सेम है हमने इसके पहले जो इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन के पॉइंट सीखे थे उसमें भी मैंने आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया था तो दिस इज द वर्टिकल फॉर्मेट सो है फॉर्मेट ओवर हियर यू कैन चेक वर्टिकल फॉर्मेट इक्विटी एंड लाइबिलिटी शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल पूरा फॉर्मेट मैंने यहाँ पे लिख लिया है तो ये फॉर्मेट पहले आपको इसी तरीके से लिखना है फिर आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है तो अब हम नोट्स टू अकाउंट सीखते हैं फिर फॉर्मेटिंग में कैलकुलेट करना काफी ईजी बन जाए ठीक है सबसे पहला पॉइंट है शेयर कैपिटल ठीक है अभी कैसे इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ ध्यान से समझना शेयर कैपिटल में हमें कैसे लिखना सबसे पहले हमें क्वेश्चन में देखना है तो आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि क्वेश्चन में हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल है फोर लैक्स ठीक है काफी इजी है फोर लैक्स है इक्विटी शेयर कैपिटल फोर लैक्स को अगर हम फेस वैल्यू टेन से डिवाइड करेंगे तो हमें कितने शेयर्स मिलेंगे दैट विल बी फोर्टी थाउजेंड शेयर्स तो आपको करना क्या है जो भी आपके फोर्टी थाउजेंड शेयर आपने कैलकुलेट किए इसमें से आपको माइनस करना है बाय के शेयर्स बायबैक हमने कितना किया था एट थाउजेंड 500 हमने बाई बैक किया था तो अगर 8500 इसमें से माइनस करोगे तो आंसर मिल जाएगा 31500 यही हम यहां पे लिख, तो कैसे लिखना है 31500 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज टेन ई वैल्यू बिकम्स थ्री लैख टीन थाउजेंड यही थोड़ा सा कैलकुलेटिव है जो भी आपके नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन में रहेंगे उसमें से हम बाय के माइनस करेंगे फिर हमारे पास क्वेश्चन में प्रेफरेंस भी थे तो प्रेफरेंस को कोई भी कैलकुलेशन नहीं है जैसा है वैसा ही हमें लिखना है तो अगर हम देखें तो प्रेफरेंस वन लाख शेयर्स थे अगर उसका फेस वैल्यू देखें तो हंड्रेड है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वन थाउजेंड ठीक है प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज हंड्रेड इच सेम वैल्यू आई एम राइटिंग फ्रॉम द क्वेश्चन डायरेक्टली नो नीड टू चेंज दैट उसका कोई बाय बैक नहीं हुआ है अभी आपको थ्री लैख फिफ्टीन प्लस 1 लाख आपको कैलकुलेट करना है इसको इसको हमें क्या करना है इसको ऐड कर देना तो आंसर आ जाएगा 4 लाख 15,000 ठीक है 4 लाख 15,000 इस डी टोटल 4 लाख 15,000 हमें टोटल मिला इसको कर देता हूँ ये हमारा फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट सेकंड पॉइंट हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस अगर हम रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो रिजर्व एंड सरप्लस काफी इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले आपको क्या करना है क्वेश्चन में देखना है क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सिक्योरिटी आपके रेफरेंस के लिए लिखवा रहा हूँ सिक्योरिटीज प्रीमियम हमने क्वेश्चन में देखा तो कितना था क्वेश्चन में था वन लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है फिर हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम में से पूरा का पूरा सिक्योरिटीजियम यूज कर लिया था तो वो पूरा माइनस हो जाएगा एक एंट्री किया हमने एडजस्टिंग प्रीमियम तो पूरा हमारा एडजस्ट हो गया नील आ जाएगा ठीक है फिर अगला रिजर्व हमारा है जनरल रिजर्व पर आप जनरल रिजर्व क्वेश्चन में देखो जनरल रिजर्व क्वेश्चन में दिया है वन लाख ,00 रुपीज उस जनरल रिजर्व में हमने कुछ यूज कर लिया था हमने जनरल रिजर्व देखो कितना यूज किया जनरल रिजर्व यूज किया है एटी फाइव थाउजेंड ठीक है तो आपने जनरल रिजर्व तो कितना यूज तो आपने यूज किया वन लाख में से एटी फाइव थाउजेंड अगर आप माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा फिफ्टीन थाउजेंड फिर हमारा अगला रिजर्व है प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस आपने यूज नहीं किया प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट देखो कितनी है प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट वन लाख थाउजेंड फाइव हंड्रेड वन लैख ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड उसके बाद एक एक्स्ट्रा रिजर्व आपको लिखना है डोंट फॉरगेट टू राइट सी आर आर सी आर आर हमारा कितना था सी आर आर हमारा था एव था ठीक है अभी हम सभी को ऐड कर लेंगे तो अगर हम इन सभी को ऐड कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा टू लैक्स ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू लैक्स ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रिजर्व का टोटल तो ये हमको रिजर्व का टोटल मिला ये दो ही पॉइंट ऐसे हैं जिसमें आपके मिस्टेक हो सकते हैं इसको अभी मैं क्लोज कर देता हूँ सो दैट हमको ये टोटल मिल जाए और इसको हम फिर फॉर्मेट में प्रेजेंट कर लेंगे दैट विल बी अवर टोटल ठीक है फिर नंबर थर्ड पॉइंट में जाते हैं नंबर थर्ड पॉइंट है हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अगर आप देखो क्वेश्चन में तो डिबेंचर्स थे या बैंक लोन था तो हमारे क्वेश्चन में था डिबेंचर्स तो इतना सिंपल यहाँ पे आपको लिखना है डिबेंचर्स तो डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी थी हमारे क्वेश्चन डिबेंचर्स वैल्यू थी एट लैक्स में कोई चेंज नहीं आपको करना है जैसा है वैसा ही वैल्यू लिख देना ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर नंबर फोर्थ पॉइंट में जाएंगे तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट है दैट फोर्थ पॉइंट इज करंट लाइबिलिटीज में एक पॉइंट है ट्रेड पेएबल्स ट्रेड पेएबल्स डायरेक्टली दिया है आपके क्वेश्चन में वन लाख फिफ्टी थाउजेंड तो आई एम राइटिंग डायरेक्टली फिर नंबर फिफ्थ है हमारा फिक्स असेट्स तो देखो आप क्वेश्चन में फिक्स असेट्स भी आपको डायरेक्टली दिएट्स थे हमारे तो so, आपके investments भी आपके भी में है कभी कभी investments, का adjustment आता है फिलहाल पे कोई adjustment नहीं तो देन नंबर सेवेंथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कैश एंड कैश इक्वी वैलेंट ये ध्यान रखना है आपको इसमें वैल्यू चेंज होगी कैश एंड कैश इक्वी वैलेंस तो इसमें हमें करना क्या है इसमें हमें बैंक लिखना है काफी सिंपल रूल है डेबिट को हमें प्लस करना है क्रेडिट को हमें माइनस करना है तो अगर आप क्वेश्चन में देखो तो क्वेश्चन में आपके पास बैंक कितना है क्वेश्चन में हमारे पास बैंक है टेन लैक्स फिर हम अगर जर्नल एंट्री देखें तो जर्नल एंट्री एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ देखो लास्ट जर्नल एंट्री जो हमने किया था लास्ट जर्नल एंट्री में हमने टू लैक्स ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड का पेमेंट किया है तो टू लैख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड में यहाँ पे बैंक क्या हुआ है क्रेडिट हुआ है तो कि हमें क्या करना पड़ेगा अभी क्रेडिट को क्या करना है माइनस करना है कि अभी को करना पड़ेगा। यहां पर अभी हम माइनस करेंगे टू लैक्स ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर हम इसे माइनस करेंगे हमें बैलेंस मिल जाएगा सेवन लैख एटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है ऑल दी पॉइंट्स वी हैव कैलकुलेटेड इन द नोट्स टू अकाउंट्स नाउ वी हैव टू प्रेजेंट ऑल दिस पॉइंट्स इन अवर फॉर्मेट विच हैव ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर्मेट में हम इन सारे पॉइंट्स को भी एक एक करके प्रेजेंट करेंगे हमारा शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल हम वर्किंग नोट नंबर वन में या वन डाल रहा हूँ तो शेयर कैपिटल हमें मिला था फोर लाख फिफ्टीन थाउजेंड का फिर सरप्लस कितना मिला था वर्किंग नोट नंबर टू डाल रहा हूँ हमें टू लाख ट्वेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसका टोटल अगर आप करोगे तो भी चलेगा नहीं करोगे तो भी डायरेक्ट बाद में टोटल कर सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के लिए नंबर थ्री लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हमारा कितना था लॉन्ग टर्म बोरिंग्स था हमारा एट क्वेश्चन तो में था वही कॉपी कर रहा हूँ फिर हमारा डायरेक्टली ट्रेड पेबल्स था ट्रेड पेबल्स में नंबर चार डाल रहा हूं ट्रेड पेबल्स कितने थे हमारे थे हमारे ट्रेड? Okay. सभी को आपको क्या करना है ऐड करना है अगर तो आप ये सभी को ऐड कर लोगे तो आपको टोटल मिल जाएगा एंड दिस टोटल कम्स टूटीन लाख एवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड दिस इज द टोटल ऑफ लाइबिलिटी अगर यही टोटल हमें असेट साइड में मिलेगा तो हमारा आंसर सही है अदरवाइज हमने गलती की तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टेंजिबल इंटेंजिबल में अभी यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में डायरेक्ट फिक्स असेट्स दे दिए है मैं डायरेक्टली इसके सामने लिख रहा हूँ वैल्यू कितना है हमारा सात लाख पचास हजार का वैल्यू है फिक्स असेट्स का तो सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड डायरेक्टली गिवन टू यू दिस इज अवर नोट नंबर फाइव ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इज अवर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स फॉर सिक्स नंबर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में हमारे इन्वेस्टमेंट्स थे फिफ्टी थाउजेंड के देन अवर कैश एंड कैश इक्वी बैलेंस वर्किंग नोट नंबर सेवन विच वी हैव कैलकुलेटेड एंड हमें उसका आंसर मिला था सेवन लैख एटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अगर आप सेवन लैख फिफ्टी प्लस फिफ्टी प्लस सेवन लैख्स एटी सेवन फाइव हंड्रेड एड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा फिफ्टीन लाख एटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड दिस इज द टोटल ऑफ बैलेंस शीट मतलब बैलेंस शीट का अट साइड और बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड दोनों साइड में हमें सेम आंसर मिल रहा है एंड वी कैन कंक्लूड दैट हमारा बैलेंस शीट टैली हो चुका है बिकॉज बायबैक में सबसे इंपॉर्टेंट कैल्कुलेशन है शेयर कैपिटल का जहाँ पे आपका मिस्टेक हो सकता है नंबर सेकेंड है रिजर्व का वहाँ पे भी आपका मिस्टेक हो सकता है और नंबर थर्ड है असेट साइड में कैश एंड कैश इक्वी बैलेंस जो तो बैंक है वहां पे आपका मिस्टेक हो इन तीनों पॉइंट्स के कैलकुलेशंस अगर आपके सही हुए तो बाकी के सारे के सारे कैलकुलेशंस में कोई प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं होगा बिकॉज ऑल दी पॉइंट्स विच वी आर राइटिंग दैट वी आर डायरेक्टली राइटिंग फ्रॉम द क्वेश्चन दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक दिस शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब इट बिकॉज आई एम पुटिंग ऑल दिस वीडियोज विथ ऑल मच डिटेल कंसेप्ट क्लैरिटी रिलेटेड टू दैट ओके चलो थैंक यू वेरी मच बाय बाय टेक केयर